सुषमा स्वराज राजकीय कन्या महाविद्यालय का नाम बल्लौड का रखा गया है। सुषमा स्वराज ये देश की महिला राजनीति थी जो लोकसभा की विपक्ष की नेता रहीं और पलवल और फरीदाबाद की बेटी हैं। आने वाले समय में जो बेटियों को वहाँ के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में या एक राजनीतिक सफल राजनीति की जो भूमिका उन्होंने निभाई थी तो इसका आने वाले लोगों को उसका लाभ मिलेगा और लोगों को इस चीज़ का है कि एक महिला होने के नाते जो विपक्ष की भूमिका सुषमा स्वराज ने निभाई थी भारतीय जनता पार्टी की, ये आने वाले पीढ़ी को लाभ मिलेगा। सवाल है गुरनाम सिंह चौधरी को लेकर। मंत्री जी, गुरनाम सिंह चौधरी पर उन दूसरे किसान नेता ने बड़े आरोप लगाए हैं कि गुरनाम सिंह चौधरी प्रदेश सरकार में बड़ा एक गिराने की तैयारी में थे, पैसे लेने देने आरोप लगाए हैं, राजनीति करने के आरोप लगाए हैं, इन आरोपों पर आप क्या कैसे देखते हैं? नहीं, हमने तो बार बार कहा था जो गुरनाम चढ़ूनी हैं ये विपक्ष के लोगों के साथ मिलकर राजनीतिक आंदोलन को इस तरह को भड़का रहे हैं। ये आंदोलन नहीं है, ये विपक्ष के लोगों का एक आंदोलन है। और जो बात बार बार मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारे पक्ष विपक्ष हमारे मंत्रियों ने विधायकों ने बार बार कहा कि ये आंदोलन नहीं, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये कुछ लोगों का एक विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर एक आंदोलन है जो इस तरह का रोज इस तरह की भाषा बोल रहे हैं और वो प्रमाण आपके सामने है और जो भी है सब आपके सामने क्लियर।